सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है और ये तौल कला गांव के रहने वाले हैं। जिस सिस्टर के हस्बैंड की टेस्टामनी है, हम उन इनके हस्बैंड की पिक को भी देखेंगे और इनके हस्बैंड की जो गवाही है बहुत बड़ी। साथ में दिखाओ, दोनों को साथ में दिखाओ। तो इनके हस्बैंड की जो गवाही है कि 3 महीने हो चुके थे कि इनके हस्बैंड को शुगर की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज, जिससे जे बहुत परेशान थे और जे बताते कि जिसके कारण इनको बहुत सारी बॉडी में वीकनेस भी आ चुकी थी, इनका वेट भी लूज हो चुका और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। और जैसे जे सिस्टर संगति में आए और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और प्रभु के दास के द्वारा बोला गया कि जो शुगर की प्रॉब्लम में वो विश्वास करे, रिसीव करे। और जैसे जे सिस्टर ने रिसीव किया, क्योंकि इनके हस्बैंड को शुगर की प्रॉब्लम थी, तो ये सिस्टर बताते कि जैसे जे आगे आए और क्योंकि जे अपनी समझ से मेडिसिन तो ले रहे थे पर जे अपनी समझ लगा रहे थे और जैसे प्रभु के दास के द्वारा हीलिंग प्रेयर हो रही थी, पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। आपकी शुगर की बीमारी हट रही है। मैंने कहा आपकी शुगर की बीमारी आज हट रही है, आपकी शुगर की बीमारी हट रही है। मैं आपको एक शब्द देता हूं। कुछ लोग शुगर के मरीज हैं और वो सोच रहे हैं, कुछ देसी नुक्ते के लिए सोच रहे हैं कि इसको मैं ऐसे करूंगी करूंगा और मेरी ये शुगर चले जाए। अरे गलत कर रहे हो, विश्वास करो। आज आप में से कोई है जो ऑनलाइन है, वो कोई देसी नुक्ता अपना रहा है अपनी इस शुगर की बीमारी के लिए? आप में ही से है वो देसी नुक्ता कोई अपना रहा है? मैं झूठ नहीं कह रहा है, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप में से कोई ऑनलाइन है, आप बताओ। और ऐसा है, अगर परमेश्वर मुझे बता रहा है तो परमेश्वर है। आप देसी नुक्ता कोई अपना रहे हो उस चीज के लिए, परमेश्वर आज आपको हील कर रहा है। मैंने कहा आप देसी नुक्ता कौन है? देखो परमेश्वर महान है और आपके मन की बातें जानता है। इन्हें पूछो, इनको पूछो जो क्या कहते हैं। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान। जब आप किसी चीज के लिए उसके पास विश्वास से आते हो तो आपको पता नहीं है वो आपके लिए बोलता है। मैं क्या कहता हूं, वो बोलता है आपके लिए, बोलता है। परमेश्वर महान है, वैसे हील नहीं होगा। मैंने कहा वैसे हील नहीं होगा परमेश्वर। अगर आज आपको वचन दे रहा है तो परमेश्वर आज पूर्ण रीति से वो काम करेगा। पूछो इनसे क्या कहते हैं। प्रेर जी जे बता रहे हैं कि जे भी शुगर की मेडिसिन इन्होंने ऐसे ऑर्डर किए और उसके बारे में जो सोच रहे थे। हाँ, तो यही देसी नुक्ता है ना, क्या है ऑर्डर किए पर आज से विश्वास करना। क्योंकि दो चित्ते मन वाला व्यक्ति बाइबल में लिखा मेरे से कुछ नहीं पा सक रहा। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। हर अंधकार की सोचे अपने पति के लिए, हर अंधकार की रिसीव करो, रिसीव करो। अगर और भी आप में से कोई शुगर का मरीज है जो ऑनलाइन है, रिसीव करो, रिसीव करो। जो शुगर का और भी कोई मरीज है, जो और भी कोई शुगर का मरीज है, रिसीव करो। परमेश्वर महान है। हर अंधकार की शक्तियां जो आपके सोचों में नेगेटिव विचारों को डालती है, राइट नाउ मैं इसी समय कमांड करता हूं, चल आउट आउट आउट। फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील, फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील, फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील, फ्री फ्री फ्री। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। अब फ्री हो चुके हो, रिसीव करो और अब फ्री हो चुके हो। और जैसे ही जिस सिस्टर के लिए प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर हुई,
तो जब बताते कि पहले इनके हस्बैंड की जो शुगर थी वो 300 साढ़े 300 थी, पर जैसे ही ये रिसीव कर कर गए और अब इनके हस्बैंड की जो शुगर की प्रॉब्लम है बिल्कुल नॉर्मल है और आज उनकी बॉडी में कोई वीकनेस भी नहीं है, बिल्कुल वो परमेश्वर ने उनको हील कर चुके हैं। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया तो इनके जो हस्बैंड है वो क्यों साथ में नहीं है, क्योंकि वो आर्मी में जॉब करते हैं इसलिए नहीं है, इसलिए आपको पिक दिखा रहे हैं। पर सच में परमेश्वर महान है और अपने लोगों के लिए बोलता है। क्या करता है? अपने लोगों के लिए बोलता है। और कब परमेश्वर आपके लिए बोलेगा? जब आपके मन में प्यास होगी, चाहत होगी। क्यों? यीशु मसीह ने कहा जो धार्मिकता का भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। हाँ, जिसको भूख है, जो चाहता है उसे जीवन, ये चाहत से आई, विश्वास से आए। और इन्होंने आगे आए, देरी नहीं की, टाइम से आगे आए और उसको जो परमेश्वर मेरे मुंह से वो चीज दे रहा था इन्होंने जल्दी से मन बनाया और विश्वास किया और आगे आए और ग्रहण किया। और आज देखो पूरी तरह से, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है, एक नामराद में बहुत ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसको खाएं और वो जड़ से खत्म हो। शुगर एक ऐसी बीमारी, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हमें वो मेडिसिन, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, अभी तुझे गोली क्या लगी, हाँ पक्की। जिसे शुगर हो जाती है वो उम्र भर मेडिसिन उसे खानी पड़ती। पर आपका परमेश्वर महान है। मैंने क्या कहा? मैं सच्ची कह, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर, और लोगों के जिसे शुगर हो जाती है कईयों को पूछो उनका उनका जीवन कैसा है, आधी जिंदगी उनकी ऐसे घट जाती है। अगर उन्हें 20 साल जीना है तो 10 साल बचे। पर आपका परमेश्वर महान है। क्या है? महान है। इसीलिए यीशु ने कहा जो मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है? बताओ किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। कुछ कुछ हो सकता है कि सब कुछ हो सकता है? वो सब कुछ करने की क्या रखता है? ताकत। क्योंकि वो ताकत का परमेश्वर है, वो जलाल का परमेश्वर है। क्या है वो? वो ताकत का परमेश्वर और जलाल का परमेश्वर है। आज आपने वर्शिप सॉन्ग भी गाया ना कि वो सबको क्या कर रहा है। ये थोड़ा सा गाओ, थोड़ा सा गाओ जल्दी से। हाँ, क्योंकि अभी ये छोटी गवाही नहीं है। मुझे पता है कि जब इनके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम थी और वो कितनी घबराहट में थे, कितना वो बंदा नर्वस था। और आज देखो, हाँ बताओ, गाओ तुम। ओ ताकत दा परमेश्वर, ओ ताकत दा परमेश्वर, हाथों को हलाते हुए, ओ जीवन दा परमेश्वर, ओ जीवन दा परमेश्वर, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनू शूरे हा, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनू शूरे हा, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनू शूरे हा, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनू शूरे हा। आमीन। क्योंकि वो सबको छूना चाहता है। क्या चाहता है? सबको छूना चाहता है और वो सबको हील करना चाहता है, सबको आशीष करना चाहता है। इसलिए इस गवाही के लिए जोर से दिल से उसकी तारीफ करो परमेश्वर, दिल से। ओके गॉड ब्लेस यू।